यस। सबसे एक सिंपल सा बेटा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंट्रोपी के बारे में। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एंट्रोपी, कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है बच्चे रैंडमनेस, कि कितने मॉलिक्यूल्स को आप रैंडमली अरेंज कर सकते। जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे पास बच्चे 5 स्टूडेंट है, तो मैं 5 स्टूडेंट को कैसे ही बिठा दूं, 5 4 3 2 1 करके, 1 2 3 4 5 करके, 5 2 3 4 1 करके, मतलब सो मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, वो कितनी रैंडमली खुद को अरेंज कर सकता है, वो था एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी में हमने एंट्रोपी चेंज भी पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। एक पॉइंट आया था जहां पे लिखा आया था गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना, एक पॉइंट पे हमें क्या लिखा आया था, गिब्स फ्री एनर्जी। तो दैट गिब्स फ्री एनर्जी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास, कि वो गिब्स फ्री एनर्जी क्या था। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद गिब्स फ्री एनर्जी। तो सबसे पहली बात बच्चे, गिब्स एनर्जी क्या होती है। गिब्स एनर्जी को हम जी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी वैल्यू। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल टर्म है। ऑब्वियस ही बात है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या है, एक थर्मोडायनामिक टर्म है। थर्मोडायनामिक टर्म्स कौन सी होती है, जो हीट रिलेटेड होती है। ठीक है ना, तो ये भी एक तरह की थर्मोडायनामिक टर्म है। तो गिब्स एनर्जी हमें क्या देती है, गिब्स एनर्जी विल टेल अस कि कितना वर्क ऑब्टेन हो रहा है, कि कोई भी जो चीज है, मान लो कोई भी रिएक्शन है। हाँ बेटा हरिओम, दिस इज द लास्ट लेक्चर। ठीक है, सिर्फ यही टॉपिक बचा, बाकी तो क्वेश्चंस ही हैं हमारे, ओनली दिस टॉपिक इज लेफ्ट। ठीक है, तो बच्चे फ्री एनर्जी का क्या मतलब है, कि कोई चीज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो है, दैट मेजर कि कितना यूजफुल वर्क हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम से। ठीक है, किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे आप कितना वर्क जो है उसमें से ऑब्टेन कर सकते हो, हाउ मच वर्क इज ऑब्टेन, या फिर जनरल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में, कि किसी चीज की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझसे ही पूछा जाता है कि मैम आप पूरे दिन में कितने लेक्चर ले सकते हो, मैं बोलूंगी कि मैं 4 लेक्चर बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। मतलब कि किसी चीज में बेटा काम करने की कितनी कैपेसिटी है, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी है, कि कोई चीज कितना काम कर सकती है। अब अगर आपको पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा गया था ना बेटा कि आप लोग कौन से बैच में जाना चाहते हो, 6 आर वाले में, 12 आर वाले में, तो आप सबने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज किया, मतलब आपकी कैपेसिटी उतनी थी। आप बोल रहे हो कि मैम स्कूल से ट्यूशन भी जाते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं बचता, तो आपने 6 आर कईयों ने चूज किया, कईयों ने 12 आर चूज किया। ठीक है ना, तो वही चीज है बच्चे कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, तो डैट इज कंसीडर्ड एज गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होती है, कि किसी चीज की बेटा कितनी कैपेसिटी है कि वो नॉन मैकेनिकल वर्क कर सके। नॉन मैकेनिकल का क्या मतलब है, मैकेनिकल वर्क होता है वो जो खुद से हो रहा है, और नॉन मैकेनिकल वर्क कोई सिस्टम कितना वर्क डन कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। जैसे अभी मुझसे पूछा गया कि कितने लेक्चर लोगे, मैंने क्या बोला कि ओनली 4, आई कैन टेक ओनली 4 लेक्चर इन अ डे, मीन्स मेरी कैपेसिटी उतनी है, मैं 4 लेक्चर से ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है ना, अब आपसे पूछा जाए कि आप कितने लेक्चर लोगे, आप बोलोगे सुनना ही है तो है भाई, सारा दिन सुनाई चलो हमें, है ना, हम तो 8 लेक्चर भी ले लेंगे। सो दैट्स द थिंग बेटा। तो ये क्या रहता है, गिब्स एनर्जी क्या है, किसी चीज की कितनी कैपेसिटी है सिस्टम की टू डू मैकेनिकल वर्क। दैट गिब्स एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू मैकेनिकल वर्क, एंड डेल्टा जी मेजर करती है कि कितना नॉन मैकेनिकल वर्क हुआ कितना है। ठीक है ना, कितना वर्क हो रहा है, दैट वुड बी कंसीडर्ड बाय डेल्टा जी। अब देखो गिब्स एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, हम क्या लिख सकते हैं, गिब्स एनर्जी हमें बताती है कि हाउ मच यूजफुल अ थिंग इज, कितनी यूजफुल है कोई चीज, कैसे कि मींस वो कितना काम कर रही है। अब अगर मैं बोलूं मैंने ग्रुप में 2 DPP भेजी, मैंने पूरे ग्रुप में 2 DPPs भेजी, मैंने बोला कि 90% स्टूडेंट जो है ना वो उसको अच्छे से कर लेंगे, मींस मैंने क्या बोला कि मेरी डीपीपी 90% वर्क डन करेगी, वो 90% यूजफुल है बच्चे। 10% को देख लेते कि वो जो क्लास नहीं लगाते, जो देखते ही नहीं है, तो फिर वो तो क्या ही करेंगे। तो दैट मींस गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या है बेटा, इट इज अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट मेजर द यूजफुल वर्क ऑब्टेन
ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ थर्मोडायनामिक सिस्टम एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. कितना यूजफुल वर्क ऑब्टेन हो रहा है किसी भी सिस्टम के थ्रू, कब, जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अल्टरनेटिवली गिब्स एनर्जी को किसी सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू नॉन मैकेनिकल वर्क. ठीक है ना, कितनी कैपेसिटी है कि वो नॉन मैकेनिकल वर्क कितना कर सकता है. मैकेनिकल वर्क क्या होता है बेटा, जब तक आप फोर्स देते रहोगे कम होता रहेगा. यानी कि मैंने क्या बोला, आप स्कूटर चला रहे हो, जितनी देर पेट्रोल होगा बेटा वो चलता रहेगा चलता रहेगा. लेकिन नॉन मैकेनिकल वर्क क्या हुआ कि आप साइकिल चला रहे हो, कब तक चलाओगे, जब तक आप नहीं थक जाते. ठीक है, सो दैट मींस गिव्स एनर्जी के कैपेसिटी किसी की कोई नॉन मैकेनिकल वर्क करने की. मैकेनिकल होगा कि साइकिल चलाना, आपने चलाया जब तक आप नहीं थक जाते, जब आप थक जाओगे आप बंद कर दोगे. सो दैट इज योर मैकेनिकल वर्क. बट गिव्स एनर्जी क्या बोलती है, कितनी देर पेट्रोल पे वो चीज चल सकती है, यानी रिएक्शन कितनी देर हो सकती है जब तक आप सप्लाई कर रहे हो. सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एट गिव्स एनर्जी. ठीक है, और डेल्टा जी क्या मेजर करती है, कि कितना वर्क डन हुआ है. ठीक, क्लियर हुआ सबको कि क्या होती है गिब्स एनर्जी. किसी को कोई डाउट है तो चैट में अपना बताए मेरे को, जिसको क्लियर है वो ठीक है, जिसको डाउट है वो बोलो. मैम आई एम नॉट एडेड इन द ग्रुप. अंजिला मेरे को बेटा पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि क्या दिक्कत है क्या नहीं. ठीक है, मैम एक बार मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल बता दीजिए. ठीक है बेटा, ठीक है, देखो मैं आपको बता रही हूँ मैकेनिकल क्या होता है. मैकेनिकल वर्क डन क्या होगा, जिसमें आपकी कोई फोर्स लग रही है, फोर्स एक्सर्टेड बाय यू. यानी कि जिम में जाते हैं, डंबल उठाते हैं, ठीक है, डंबल अप कर रहे हो, मीन्स आपकी फोर्स लगी, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने कोई मैकेनिकल वर्क किया है. दैट मींस मैकेनिकल वर्क इज डन बाय मी, तो वो हो गई आपकी मैकेनिकल वर्क डन. अब नॉन मैकेनिकल क्या हुआ, नॉन मैकेनिकल क्या हुआ, नॉन मैकेनिकल वर्क डन, आप मार्केट गए हो, लेकिन गए कैसे हो, बाइक लेके. ठीक है ना, बाइक पे आप जा रहे हो, बाइक पे आपका वर्क डन तो क्या है, बाइक चला रहे हो, बट उसमें आप धक्का तो नहीं मार रहे, आपके शोल्डर्स को कुछ मैकेनिकल वर्क तो नहीं लग रहा ना, बट वर्क डन हो रहा है. क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है. वर्क का क्या फॉर्मूला था बच्चे, वर्क क्या होता है कि कोई फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट दिखाए. अब चाहे बाइक पे जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो है ना, तो दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ डन वर्क इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वर्क डन. ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क डन. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि गिब्स एनर्जी क्या है, कि कोई भी किसी भी चीज में कितनी कैपेसिटी है टू डू नॉन मैकेनिकल वर्क. अब बेटा बाइक में कितनी कैपेसिटी थी, बाइक में एक लीटर का तेल डलवाओगे तो वो कितना चल जाएगी, 10 किलोमीटर, मतलब उसके पास कितनी एवरेज है, कितनी एनर्जी होगी उसकी, 10 किलोमीटर तक की एनर्जी होगी ना, वो चीज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज गिब्स एनर्जी. अब क्लियर हुआ, यस अंजलि, नाउ क्लियर बेटा. जिसका अभी अभी ज्वाइन हुआ उसको हम दोबारा भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. यस दैट्स ग्रेट. देखो हमने सिर्फ बेटा अभी तक यही पढ़ा है कि गिब्स एनर्जी क्या होती है. तो गिब्स एनर्जी का क्या मतलब है, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू नॉन मैकेनिकल वर्क, कि किसी भी सिस्टम के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो नॉन मैकेनिकल वर्क कर सके. अब देखो, अब ये हो गई गिब्स एनर्जी. अब वो क्या कह रहे हैं, इसमें जो ये फ्री वर्ड है इसका क्या मतलब है, फ्री का मतलब क्या है, यस कोई मुझे बता सकता है क्या मतलब है फ्री का, फ्री मतलब मुफ्त. अच्छा अब आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपकी मम्मी आए किसी भी बच्चे की, वो कहे चल चल बेटा फ्री बैठा है, ऐसा कर बाहर से धनिया ले आ. किसी लड़के को, जैसे ललित की मम्मी आई अभी अभी, उन्होंने ललित को क्या बोला कि बेटा तू फ्री तो बैठा है, धनिया ले आ. वो क्या बोलेगा कि नहीं मैम, मैं नहीं मम्मा, मैं तो पढ़ रहा हूं, है ना. तो ऐसे ही बच्चे गिब्स फ्री एनर्जी में जो फ्री वर्ड है उसका क्या मतलब हुआ,
फ्री वर्ड अटैच किया गया गिब्स फ्री एनर्जी के साथ फॉर सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर मीन्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल वर्क. इसका फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री था बट फिर भी उसको गुस्सा आया. वो कह रहा है यार एक तरफ तो तुम मुझे कह रहे हो कि कितनी मेरी कैपेसिटी है मैं वर्क करने की मेरी कितनी कैपेसिटी है और दूसरी तरफ मेरे साथ फ्री वर्ड जोड़ दिया. तो फिर ये आप देखना कई बुक्स में ना फ्री वर्ड नहीं रेफर किया जाता. कई बुक्स में सिर्फ क्या आता है गिब्स एनर्जी. तो ये 1988 में जब गिब्स फ्री एनर्जी को बुरा लगा कि मेरे साथ फ्री क्यों जोड़ रहे हो तब एक मीटिंग बिठाई गई. फिर IUPAC ने क्या बोला कि भाई फ्री वर्ड हटा दो तो वो फ्री से उसको ड्रॉप कर दिया गया. अब हम जी को क्या बोलते हैं गिब्स एनर्जी. हाँ ठीक है ऐसा होना चाहिए. मम्मी भी लाइक क्लास थी गेम चल रही होगी. हाँ ललित आई तो नहीं मम्मी बोलने. धनिया ले आ बेटा. मेरी वॉइस लो तो नहीं हो सकती मैं तो बहुत तेज बोलती हूँ. नो मैम ठीक है ले मम्मी को बता के बैठता मम्मी पढ़ने वाला हूँ. ठीक है मेरी वॉइस ठीक है बेटा सबको क्लियर है. एक बारी ये मेरे को बता दो. ठीक है बेटा एक बारी जिसको भी कम आ रही है ना वो अपने या तो डिवाइस की वॉल्यूम बढ़ाए या दोबारा ज्वाइन कर ले. ठीक है तो ये चीज हो गई बेटा. फिर फ्री को क्या करना है हमने हटा देना है. उसको बुरा लग गया था. देखो कितनी पावर थी गिब्स फ्री एनर्जी के पास. बेचारे के लिए मीटिंग बिठाएगी 1988 में IUPAC की मीटिंग हुई स्पेशल ये बोलने के लिए कि फ्री को हटा दो. IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जिसने हमें सारे रूल्स दिए थे नोमेनक्लेचर के. जब हम वो पढ़ेंगे ना क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो किसी भी मॉलिक्यूल को किस तरह से नाम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं IUPAC ने रूल दिए. ठीक है IUPAC की फुल फॉर्म क्या है ये सबको पता होनी चाहिए. सो दिस इज हम यहाँ लिख देते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है सो दिस इज द थिंग IUPAC. अब हम बात करेंगे बच्चे थर्मोडायनामिक्स की कि थर्मोडायनामिक कह रहे हैं गिब्स एनर्जी की. ठीक है तो गिब्स एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस ये इसका फॉर्मूला है. अब जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस तो ठीक है बट जब हम पढ़ रहे थे ना तो बेटा हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं ना तो आप एच की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो ना ही आप एस की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो. इन दोनों के लिए हमने हमेशा डेल्टा एच और डेल्टा एस यूज किया तो जी की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी. फिर जी के लिए हम क्या यूज करेंगे डेल्टा जी यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. और एक और चीज इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो जैसे उसमें डेल्टा एस में मैंने 3 points लिखवाए थे ना वो अच्छे से याद रखने हैं. इसमें ये 3 points आपको ध्यान से याद रखने हैं. दीज आर टू बी रिमेम्बर्ड पॉइंट कि डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो होता है तो बेटा प्रोसेस क्या होगी इरिवर्सिबल और ये कैसा होगा स्पॉन्टेनियस नेचर का. अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी जीरो है तो रिवर्सिबल या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो पे और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो रिएक्शन क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ये तीनों पॉइंट सबको घोल के पी लेने हैं. डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनियस और अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है ना तो रिएक्शन कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस. ये तीनों पॉइंट सब बच्चों ने याद रखने हैं. ठीक है स्पॉन्टेनियस बेटा लास्ट लेक्चर में बताया तो था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो खुद ब खुद हो जाए. ठीक है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है बच्चे जो खुद ब खुद होती है. ठीक है That would be considered as spontaneous. इसका example बेटा as such कोई reaction ही आप ले सकते हो example कि delta G उसमें zero है तो वो spontaneous होगी अगर equal to zero है तो equilibrium पे और greater than zero है तो non spontaneous. आशीष ऐसे नहीं बेटा equilibrium redox से पहले पढ़ना जरूरी है तो next lecture equilibrium का रखेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक रेडॉक्स की बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे और रेडॉक्स वाले चैप्टर में आती ही बैलेंसिंग है
ठीक है, रिडॉक्स के चैप्टर में ना बैलेंसिंग ही होती है। हाँ तो इसके बाद ये आज बस खत्म होने वाला है, एक टॉपिक हो रहा है इसका, फिर इसकी टाटा बाय बाय है, फिर हमने करनी है इक्विलिब्रियम शुरू। ठीक है, इक्विलिब्रियम वर्ड देखो यहाँ आया है, इक्विलिब्रियम तो पहले उसमें यही पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम भाई साहब है क्या चीज। ठीक है, ये ना बच्चे बोलने वाले हैं मैडम हर क्लास में सस्पेंस रख देती है, कभी एंट्रोपी वर्ड छोड़ देते हैं कि अगली क्लास में बताएंगे, पिछली बार गिब्स एनर्जी छोड़ दिया था, अब इक्विलिब्रियम पे कर दिया। पता है क्या है, ये जैसे सीरियल में आता है ना कल देखिएगा, तो जब तक वो चीज नहीं होगी ना कल देखिएगा वाला, फिर कल आता ही नहीं है कोई। वो सीरियल में बताते हैं ना कल ये होगा, अरे हम बड़े एक्साइटेड होके देखते हैं और आज तो ये होना है। कौन कौन सीरियल देखता है, देखता है कोई बच्चा टीवी टूवी? मैं बताऊं, मैं सिर्फ एक सीरियल देखता है, कौन गेस कर पाता है? ओनली वन सीरियल, बहुत चलता है वो, बताओ कौन सा? अनुपमा। अरे हाँ बिल्कुल अनुपमा, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अनुपमा जरूर देखती हूँ। हाँ उसमें वो दिखाते हैं ना कल ये होगा, तो उसको देख के वो लगता है अरे यार कल वाला तो जरूर देखना पड़ेगा, है ना? दैट्स ग्रेट, चलो। अनुपमा तो बहुत चलता है, ये सब नहीं, ये रिश्ते रुश्ते नहीं, बस एक का ही चस्का है मुझे अनुपमा का। चलो अब बेटा, कोई बच्चा मुझसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ रहा था, तो ये लो आपके 8 नंबर, ये आपके 8 मार्क्स हैं, सिर्फ एक टेबल में कंक्लूड करें। ठीक है, नीट हो, जेई हो, मेंस हो, सब में ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसके बेस पे 8 मार्क्स है सिर्फ एक टेबल में। ठीक है, समराइज कर दिया हमने स्पॉन्टेनिटी को 2 फैक्टर के अकॉर्डिंग, डेल्टा एच में और डेल्टा एस में। जिसको ये टेबल अच्छे से लर्न हो गया ना बेटा, उसके 8 नंबर पक्के हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं इस पे, सिर्फ साइन पे कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब स्पॉन्टेनियस हमें तो पता है भाई, जो खुद ब खुद हो जाती है वो स्पॉन्टेनियस, जैसे पानी का पहाड़ी से गिरना, भाई ये तो पता है, लेकिन केमिकल्स में कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी फटाफट हो जाएगी और कौन सी बहुत टाइम लगाएगी, वो कंडीशंस पे डिपेंड करती है, और वो कंडीशंस हम अब पढ़ने वाले हैं। यानी कि डेल्टा एच वैल्यू अगर बेटा नेगेटिव है फर्स्ट केस में और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, और जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, देन दैट रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज स्पॉन्टेनियस। यानी डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और फर्स्ट क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होती है बच्चे, जब डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ये अभी अभी पढ़ के आए ना, डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों पॉजिटिव है तो 2 कंडीशन बनेगी, लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे नेगेटिव, नेगेटिव पे स्पॉन्टेनियस। जब दोनों नेगेटिव हैं तो लो टेम्परेचर पे नेगेटिव और हाई पे पॉजिटिव, और नेगेटिव पे स्पॉन्टेनियस होती है और पॉजिटिव पे क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ वंती को पिन करो बेटा, प्रियांशु कुछ आगे बेटा, क्वेश्चन ही है, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम, इतना ही था हमारे पास रह गया, और एक चीज रह गई, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाँ वही करा रहे हैं बेटा, आगे क्वेश्चन ही करेंगे हम। ठीक है, ये चीज सबको समझ आई, ये अच्छे से लर्न करना है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव और एस पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी बेटा नेगेटिव होगा, रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। याद कैसे रखेंगे, सपोज करो हनुमान जी हैं, ठीक है, अब वो नेगेटिव नेगेटिव हैं, ठीक है, गुस्सा आ रखा है उन्हें, नेगेटिव का मतलब गुस्सा आ रखा है उन्हें, हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो सारी चीज नेगेटिव रहने वाली है, और वो खुद ब खुद काम करेंगे, मतलब पहाड़ी खुद ही उठा के लाएंगे वो, ठीक है ना, तो रिएक्शन कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। अब हनुमान जी पॉजिटिव थे, दूसरे वाला नेगेटिव, वो उन्हें कुछ नहीं लेना देना, वो कह रहे पूरी रिएक्शन ही मेरी पॉजिटिव होगी, और खुद ब खुद नहीं करेंगे वो, खुद नहीं करेंगे, अब रिएक्शन दूसरे वाला कर रहा है, तो वो रिएक्शन क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कैसे करेंगे, हाँ जय श्री राम से याद रखेंगे,
अब दोनों ही पॉजिटिव है बेटा, दोनों ही पॉजिटिव है। तो वो क्या कह रहे हैं, जब तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है तब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कोई तीसरा बंदा कर रहा है, अपने आप नहीं हो रही। अब जब टेम्परेचर बढ़ने लगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ेगा तो खुद ब खुद रिएक्शन होगी ना, कौन करेगा, हनुमान जी, तो वो रिएक्शन क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। अब नेक्स्ट क्या बोला कि दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, पहले ही गुस्से में है तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जानी है, हाई पे फिर वो देखेंगे कि चलो ठीक है कोई और कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट लगा के 8 नंबर सबने पक्के करने हैं। रुद्र क्या कह रहे हैं इसमें, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, बेटा गुस्से को माना जाएगा कि उनका पहले गुस्सा लो था, हाई हो गया और ज्यादा। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगों ने इसको कुछ भी वो ट्रिक्स बना के याद करने, ताकि 8 मार्क्स हमारे कहीं ना जाए। ठीक है, सो दैट्स इट। अब एक लास्ट टॉपिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या कहा था बेटा, कि एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जो 0 डिग्री से सेल्सियस से भी थोड़ा डाउन होता है, और वहां पे हर चीज सॉलिड हो जाती है, सॉलिडिफाइड होती है। ठीक है, तो अगर बेटा हर चीज सॉलिडिफाइड है तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। अब सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, मॉलिक्यूल्स पैक्ड टाइटली, अगर मॉलिक्यूल्स बच्चे टाइटली पैक हैं तो क्या होगा, रैंडमनेस कहां से आएगी, इतनी बढ़िया फोर्स उनको दबा के बैठी है, वो कह रही हिल के दिखाओ, तो रैंडमनेस तो है ही नहीं, जब वो इतने टाइटली पैक्ड है तो रैंडमनेस जीरो है, अगर रैंडमनेस जीरो है तो हमारी एंट्रोपी भी जीरो है। तो यही बोला था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने, कि किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होती है किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, वो भी जीरो मानी जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या मानते हैं, जीरो। क्लियर अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एग्जैक्ट क्राइटेरिया बच्चे लो और हाई टेम्परेचर का ये रहता है कि कई बार जो है ना डेल्टा जी और डेल्टा एच और एस की वैल्यूज वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे हमने पढ़ा ना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो वो चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, दैट्स व्हाई। हाँ रिपीट कर सकते हैं बेटा प्लीज, कोई बात नहीं है। ये देखो इसको रिपीट कैसे करेंगे हम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था हमारे पास, कि किसी एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर होता है, जहां पे हर चीज क्या रहती है बेटा, सॉलिड में होती है। ठीक है ना, 0 डिग्री पे पता है वाटर आइस बन जाता है, बट 0 डिग्री से बिलो चले जाओ ना तो वो एन अच्छे से सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि एब्सोल्यूट जीरो पे जो एंट्रोपी है किसकी, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, वो भी जीरो मानी जाती है, उसको क्या ले लेते हैं हम, जीरो ले लेते हैं। जीरो का क्या मतलब है, जीरो क्यों होगी, क्योंकि बेटा हमने बोला ना परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है, उसकी एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड शेप है मतलब वो सॉलिड है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसको बांध के रखी हुई है, बांध के रखी है तो उसका क्या मतलब रहेगा, कि उन्होंने उसको अच्छे से बाइंड कर रखा है तो वो रैंडमली मूव नहीं कर सकती। अब अगर आपकी क्लास में कोई ऐसे गुस्से वाली मैम आ जाए तो वो कहे चीटिंग करके दिखा, तो नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो वही चीज है बेटा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज्यादा है कि मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी, रैंडमनेस जीरो होगी, रैंडमनेस जीरो होगी तो हमारी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, जीरो। सो दैट मींस एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस टेकन एज जीरो। तो वही चीज उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बोली। ठीक है, क्लियर, दैट्स ग्रेट। टेस्ट होगा बच्चे आप लोगों का, संडे को टेस्ट होता ही है ना, तो इस संडे भी आपका टेस्ट होगा, बट थर्मो का नहीं ले रहे हम। देखो पिछली बारी आपने फिजिक्स का दिया था, इस संडे आपने केमिस्ट्री का दिया था, तो इस बारी आपका मैथ्स और बायो का टेस्ट होने वाला है। सिलेबस आपको आ जाएगा 1-2 दिन में उसमें ग्रुप में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चे ये था सेकेंड। हाँ बेटा अभी वही जेई लेवल का ही क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में था कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल नेवर डिक्रीज, कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है बच्चे वो डिक्रीज नहीं होती, उसने हमें एंट्रोपी दिया था तो इसीलिए फर्दर हमने एंट्रोपी की बात करी थी। ठीक है, चलो अब ये हो गया, अब हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, थर्ड लॉ तक ही था हमारा। चलो नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर। हाँ पहले तो यही क्वेश्चन है हमारा, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला क्वेश्चन पहली है, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज, एंट्रोपी पे क्वेश्चन आ गया।
The change in entropy along with suitable change in enthalpy decides the fate of a reaction. The enthalpy always decreases. Both the enthalpy and entropy remain constant. इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? मैं पोल रेस कर रही हूँ, आप लोग उसमें आंसर करोगे. अरे अरे चैट में नहीं लिखो, गलत बात नहीं करनी चैट में, नहीं पोल में. वैसे भी बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर, फायदा भी नहीं है चैट में लिखने का, है ना. और मैं ये भी बता दूं कि जो लिखी जा रहे हो ना वो सही भी नहीं है. गो फॉर इट, वोट करो वोट. मैंने तो हिंट दे दिया, जो लिखी जा रहे हो वो सही है ही नहीं है, फिर क्यों लिखी जा रहे हो. एटलीस्ट देखो यहाँ पे सही वोटें मिल रही हैं सही ऑप्शन को. चैट में गलत लिख रहे थे बच्चे. हाँ ऐसा है ही नहीं है मयंक, जब वो ऑप्शन सही है ही नहीं है तो मैं तो सही बोल रहा. फटाफट फटाफट. यस ऐसे तो सही ऑप्शन अभी जीत रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो जीतेगा. हाँ ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं, मैम चालाक है. हाँ तुम्हें मैम चालाक लगती है, गंदी बात. हाँ देखो बेशरम बच्चे. अच्छा ठीक है, फिर तो सही होना चाहिए, कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं. 26 वोट्स मिल रही हैं ए सही ऑप्शन को. ए में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है बेटा, ऑप्शन सही नहीं है, ए नहीं सही है. ये तो चलो मैंने बता दिया, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है बेटा, करेक्ट आंसर बी है. ए में कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे है कि यहाँ पे लिखा है एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज, लेकिन इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी कॉन्स्टेंट हो जाती है. एंट्रोपी कैन बी कॉन्स्टेंट, ये नहीं है कि हमेशा इंक्रीज करेगी. हाँ इट नेवर डिक्रीज, बट कांट से कि इट ऑलवेज इंक्रीज. अगर ये स्टेटमेंट होती ना कि एंट्रोपी विल नेवर डिक्रीज, दैट विल बी द करेक्ट वन. हर वक्त इंक्रीज करेगी वो चीज नहीं होती, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जहां पे हमारी एंट्रोपी भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंसी शो करती है. ठीक है, तो एंट्रोपी जो है ऑलवेज इंक्रीज वाले ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्टरी थी, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है कि चेंज इन एंट्रोपी अलोंग विद सुटेबल चेंज इन एंथैल्पी डिसाइड्स द फेट ऑफ अ रिएक्शन. फेट का क्या मतलब होता है? किस्मत. यहाँ पे किस्मत नहीं, यानी टाइप ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन किस तरह की होगी? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? तो ये अभी अभी हमने वो टेबल में देखा कि ये दोनों वैल्यूज डेल्टा एस और डेल्टा एच पे डिपेंड करती है. यानी रिएक्शन का टाइप कैसा होगा वो डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों पे डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी आंसर नंबर बी. एंथैल्पी डिक्रीज तो करती नहीं, गलत. हर वक्त एंथैल्पी और एंट्रोपी नहीं होते, ये भी गलत. एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी की वजह से गलत. तो करेक्ट आंसर क्या आया? बी, कि एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों ही बताती हैं रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. क्लियर हुआ सबको? अब पता चला मैम सच में चालाक नहीं है, हिंट दे रही थी, फिर बोलते कि मैम चालाक है, गंदे बच्चे, है ना. हाँ शक कर रहा है ये मेरे पे. बिल्कुल सही बोला है, किसने बोला है? हाँ रेखा बिल्कुल सही. ठीक है, मेरे पे शक कर रहा था ये. हाँ अब मान गया, चलो माफ किया. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2-chlorine जो है वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस वैल्यू क्या होगी? ठीक है, क्लोरीन जो है बेटा Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेल्टा एच तो क्लियर कट देख सकते हैं बच्चे. डेल्टा एस कहाँ? डेल्टा एस का हिंट दे देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू. ठीक है, अब डेल्टा एच खुद सोचो. डेल्टा एच का एक हिंट दे दिया मैंने कि दिस इज रिगार्डिंग नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, अब रुक जो ऐसे मत लिखो, इस पे लिखो पोल पे.
चलो गो फॉर इट। फटाफट वोट करो। इजी है। अरे ये तो बड़ी है। टोपर। अच्छा टोपर वाली साइट। हाँ ठीक है यश, वेरी गुड बेटा। टोपर से देख लो क्या बात है। टोपर तो फिर वो, चलो टॉपर से देख के कौन एक्सप्लेन करेगा। चलो देखने की भी वो परमिशन दी, समझा देगा कोई। हैंड रेस करो उसको, मैं माइक ऑन करके मौका देती हूँ। घनश्याम कह रहा है मैं समझाऊंगा। चलो अभी और कोई बच्चा अपने आपको म्यूट नहीं करेगा, अनम्यूट नहीं करेगा, सिर्फ घनश्याम करेगा। घनश्याम टेल मी, और कोई नहीं, घनश्याम सिर्फ, बाकी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे। नहीं पता है। अच्छा नहीं पता है, कौन बताएगा? एक बारी हैंड रेस करो, कौन समझाएगा इसको मेरे को? चलो ललित को मौका दिया। ललित मैं बताऊं? हाँ मयंक तुम बता दो। मैम यहाँ पे जो दो सीएल थे वो एक मॉलिक, मतलब सीएल टू बॉन्ड बन गया है, तो मैम रैंडमनेस डिक्रीज हुई है। और मैम आपने डेल्टा एच बता दिया था मोल्स पे होता है, तो मैम मोल्स भी घटे हैं। मैम यहाँ पे दो मोल थे, यहाँ पे एक मोल हुआ, तो मोल्स भी घटे हैं। बिल्कुल, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। चलो गुड, क्लैपिंग फॉर मयंक। ठीक है, हाँ मैंने पहले ही बोल दिया यश, मैंने पहले ही बोल दिया कि क्लैपिंग करते हैं, आप लोग कर लो ऐसे ऐसे, मैंने भी कर दी। वेरी गुड मयंक। देखो बेटा बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स टू थे, यहाँ पे बेटा वन रह गए, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं हमारे? कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा एस वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अब डेल्टा एस नेगेटिव किस, देखो पहले मैंने बताया था सबसे पहले ना वो चीजें काट लिया करो जो तुम्हें लगे ये तो बिल्कुल ही फालतू है, फालतू फालतू, बची ये दो चीजें। अब भाई डेल्टा एच जीरो या डेल्टा एच नेगेटिव, सिर्फ ये दो चीजें अब हमें कंफ्यूज करेंगी। टू क्लोरीन क्लोरीन गैस में जा रहे हैं, रिएक्शन कैसी है? दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट रिलीज होगी, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस केस में डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। डेल्टा एच जीरो नहीं हो सकता, एच जीरो भी इक्विलिब्रियम पे ही होता है। अगर ये रिएक्शन में ये वाला साइन होता ना तब डेल्टा एच का केस था कि वो जीरो हो सकता है। अब यहां तो बेटा वो रिएक्शन दे रही है, दे रही है तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। ठीक है, ये भी छोड़ो एंडो एक्सो छोड़, देखने में ही दिक्कत आएगी मैम, हमें याद रखना पड़ेगा कौन सी एंडो है कौन सी एक्सो है। ठीक है, वो भी छोड़ते हैं। अगर इस तरह का साइन होता तो डेल्टा एच जीरो होता। अब साइन ऐसा है, पॉजिटिव तो बेटा पहले ही काट दिया, नेगेटिव वाला बचा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? थ्री। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई है बात सबको? ये जेई का ही क्वेश्चन था। ठीक है, कौन केबीसी जीत रहा है? मयंक भी लाइक, पहली बार तारीफ हुई, थैंक यू गाइस। हाँ आप केबीसी 5 करोड़ का क्वेश्चन जीत चुके हैं, बिल्कुल ले जाओ 5 करोड़ घर पे। क्या करोगे अगर अच्छा मिल जाए? अकाउंट नंबर दू मैं? मेरे पास आपने इतने, मैं तुम्हें कहां से दे दू? हैं मैम के अकाउंट में भी तो होने चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, तभी देगी ना मैम तुम्हें। चलो डेल्टा एच और डेल्टा एस नेगेटिव है, गिवन रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल फ्रॉम क्लोरीन एटम्स। ठीक है, हेंस बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, तो डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा एच क्या होगा बेटा? नेगेटिव है। Also, two moles of atom have more randomness than one mole of the molecule. Spontaneity decrease होगी, तो delta S भी क्या होगा हमारा? Negative. तो ये इसकी explanation भी लिखी हुई है ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो भूल जाओ मेरी बातें तो याद रहे। वैसे मेरी बातें भूलते तो नहीं होगे तुम लोग?
अरे मेरी भी पहली बार तारीफ हुई है मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया, इसको मैं हमेशा याद रखूंगी। ठीक है, हाँ चलो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम। अब क्या बोला गया है, द फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगी कब, द सराउंडिंग डू नॉट इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सिस्टम, जब सराउंडिंग्स कोई वर्क नहीं करती, सराउंडिंग्स करती हैं, द सिस्टम कोई वर्क करेगा इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सराउंडिंग, और द सिस्टम डज नॉट इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सराउंडिंग, क्या रहेगा भाई, डेल्टा जी कब नेगेटिव होने वाला है, इसके बारे में कौन बताएगा। हाँ मैम आप बताओ, हम भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें तुम भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, आगे पता नहीं क्या डायलॉग था, और मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा वाला कुछ था ना, देखिए किसी ने वो मूवी, सब मूवियां तो बढ़िया देखते हो फिर तुम। अरे बच्चे मैं वो डॉक्टर वाली टीचर हूं, मैंने पीएचडी करी है, वैसे हॉस्पिटल वाली टीचर नहीं हूं मैं, ठीक है, तो तुम लोग कह सकते हो आई एम द टीचर ओनली। चलो इसका आंसर बताओ, पोल दे रहे हैं, पोल दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। हाँ ये वाला ललित ने बता दिया हमें, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, अंजलि, अंजलि वाली थी ना वो मूवी। हाँ हाँ देखा, मूवी सबको पता है, और ये पुरानी मूवी है धड़कन। हाँ ठीक है, इट्स अ रियली नाइस मूवी, मस्त से, हाँ उसी से कुछ शिक्षा ले लो, बेचारे अनपढ़ को किसी ने लड़की भी नहीं दी थी, है ना, नहीं पढ़ोगे तो लड़की नहीं मिलनी, शादी कैसे करोगे, वहीं से सीख ले लो तुम। हाँ मिलेगी, असद वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मिलेगी अंजलि, मिलेगी इसको भी, ये पॉइंट है, देखा हर फिल्म हमें शिक्षा देती है, बिजनेस करेंगे। अच्छा ये कह रहे हम इसीलिए पढ़ रहे ताकि हमारी अच्छे घर में शादी हो, है ना, अच्छी लड़की हमें मिल जाए, ठीक है कोई रीजन से पढ़ लो, बस पढ़ लो, बनो इंजीनियर, स्मार्ट स्मार्ट से निकलो बन के। ओए होए होए, आजकल लड़कियां बड़ी चंटा यश तेज है, वो भी पैसे कमाती हैं, आजकल वो गया जमाना जब पैसे के ऊपर आती है, ठीक है। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा, अभी तक छोट वोट सी कम करी है इन्होंने, बातों में ध्यान है। हाँ तो बिल्कुल सही रेखा, बिल्कुल सही, आजकल सब, हाँ बताओ बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा। हर्षिता कह रही मैम मेरी क्लास स्पीकर पे है, ठीक है घर वालों को पता होना चाहिए, बच्चे पढ़ते भी हैं हमारे, तो पढ़ाई करने से काफी फायदे है ना, थ्री ऑप्शन। चलो सब बच्चों ने सी को लगाया है, सी को वोट के साथ जिताया है कि द सिस्टम डज इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन सराउंडिंग, तब हमारी डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना, कब नेगेटिव होगी, पहला क्या था, द सराउंडिंग डू नॉट इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग जो है इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं करती सिस्टम पे, और फिर क्या बोला गया कि दे आर डूइंग सम इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सिस्टम, द सिस्टम डज इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सराउंडिंग, जब वर्क क्या कर रहा है, सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पे वर्क, ठीक है, तब वो नेगेटिव होगी, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। अब पूछो कैसे, किसने लगाया था ऑप्शन बी, देखिए पोल्स में ऐसी बात नहीं है, 7 वोटें आई हैं ऑप्शन बी को, 7 वोट्स टू ऑप्शन बी। अब कैसे है देखो, ऑप्शन बी में क्या है, द सराउंडिंग डू इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग बच्चे जब सिस्टम पे वर्क करेंगी, सराउंडिंग जब सराउंडिंग ज्यादा होती है, ठीक है ना, जब वो सिस्टम पे वर्क डन करेंगी ना, तब जाके हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है ना, जब सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे वर्क करता है ना, तब हमारी जो फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होती है, सिस्टम ने तो वर्क करना ही है, सिस्टम तो वर्क करेगा ही, तो वो चीज नेगेटिव नहीं होगी, जब सराउंडिंग अपना वर्क करती है सिस्टम पे
देन देयर वुड बी नेगेटिव. द डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, देयर फ्री एनर्जी चेंज, उनकी फ्री एनर्जी चेंज होगी. अगर बच्चे डेल्टा जी नेगेटिव है तो मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम. हमने कब बोला था कि वर्क डन कब नेगेटिव होता है? नेगेटिव कब होता है? जब दैट इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना, जब सिस्टम के थ्रू हो. एक सेकेंड. हाँ, तो सराउंडिंग कुछ वर्क कर रही है, सिस्टम तो सराउंडिंग पे करेगी, तब तो डेल्टा जी वैल्यू तभी आएगी ना. अब क्या बात है कि द सराउंडिंग डू इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन द सिस्टम, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेकेंड वाला, ठीक है ना, कि जब सराउंडिंग कुछ वर्क करेगी उसके ऊपर. क्लियर? रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. हाँ, डेल्टा जी अब नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस. चलो नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा क्वेश्चन है? अरे ये इजी क्वेश्चन आ गया फिर से. अब ये तो सब कर सकते हैं, ये फटाफट से करो. PCl5, PCl3 और Cl2 में जा रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, हिंट भी दे दिया. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है और डेल्टा एस क्या होगा? इसमें भी पहले तो वो पॉइंट्स काट दो बेटा जो चीज हमें चाहिए नहीं, ठीक है, जो चीज नहीं चाहिए होती पहले वो ऑप्शन को कट करा करो, फिर जो बचता है उससे देखो आंसर आता है या नहीं हमारा. चलो पोल क्रिएट करते हैं. ए बी सी डी, गो फॉर इट. देखो नंबर ऑफ मोल्स भी देख सकते हो इसमें, वन एंड टू, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? अरे एक ही, इसमें तो कुछ डेल्टा एच की जरूरत ही नहीं थी देखने की, नंबर ऑफ मोल्स से ही आंसर आ गया है ना, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं. अरे बेटा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, तो क्यों ए ए ए ए क्यों कर रहे हो बेटा? नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो डेल्टा एस पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो. इसमें लेस देन है, इसमें लेस देन है, एक ही में तो है ग्रेटर देन जीरो, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया. और वैसे भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि एक्सो है, एक्सो में डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सेकेंड वाला, ठीक है. हाँ ये शिवम ने हमें नई बात बताई, भाई सारे सुन लो, ऑप्शन जो है एबीसीडी में से एक है ना. अब ये खुद ढूंढो कौन सा है. चलो गुड है, ये आ गया हमारा, ठीक है. इतनी सारी हमने वो भी दे दिया आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, बाद में पढ़ते रहना. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? डेल्टा जी बच्चे आपको दे रखा है -38.5, डेल्टा एच दे रखा है -14.6, डेल्टा एस दे रखा है 0.5152. आपको रिएक्शन निकालनी है, टेम्परेचर निकालना है. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस, तो डेल्टा जी -3.85, डेल्टा एच -14.6, -T.152. अब निकालो टेम्परेचर कितना आएगा, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले. करो कैलकुलेशन. हाँ गिब से होगा बिल्कुल. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच -T.S. नहीं कल तो आपकी नहीं होगी, एक सेकंड मैं बता देती हूँ. 32, 11, 32 आपकी तो वीक में दो ही क्लासेस है ना, एक मंडे को थी एक आज है. अब आपकी नेक्स्ट वीक होगी बेटा, मंडे को क्लास होगी, अब आपकी नेक्स्ट वीक मंडे को, ठीक है. हाँ बताओ फिर क्या आ जाएगा टेम्परेचर, बताओ बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है फटाफट से. Who's gonna tell me? तक कुछ आंसर आएगा, ठीक है. ये इसको चेंज कर लिया करो बेटा, एक चीज का ध्यान रखा करो, अगर कोई चीज अच्छा चेंज करने की जरूरत नहीं थी, वैसे किलो जाउल में ही था, ठीक है. तो अगर जाउल वगैरह में लेना है तो आप उसको चेंज कर लो, किलो जाउल को जाउल में चेंज कर लो, ठीक है. तो ये हमारा टी आंसर आ जाएगा. डन है. एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो ये क्या अंकुश शेयर करी जा रहा है. देखो एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा,
डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, बट हमें तो डेल्टा यू दे रखा है। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला किसी को याद है? यस एनीबडी, डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, बिल्कुल सही, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। अब देखो यहाँ पे ए टू टू बी था, ठीक है, ए टू टू बी मीन्स रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स टू हो गए, ठीक है, तो डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी थी, डेल्टा एन जी आर की वैल्यू में टू मेंशन थी, टू किलो कैलोरी मेंशन थी, इसमें मिसप्लेस हो गई है, तो टू इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस थ्री। टेम्परेचर था, पहले आप बच्चे डेल्टा एच की वैल्यू निकालोगे, फिर डेल्टा जी की वैल्यू क्या निकालोगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके, ठीक है, क्लियर हुआ सबको? हाँ, अभी एक और बच्चा कुछ बोल रहा था बीच में, मेरा फोन आ गया, सॉरी फॉर डैट। मैम रेगुलर होनी चाहिए, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, ठीक है बच्चे, आपने आई थिंक सो सिक्स आर वाला चूज किया ना, वरना हम तो चार दिन भी मिलते, आप लोगों ने ही सिक्स आर वाला चूज किया, ट्वेल्व क्यों नहीं किया, ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यस एनीबडी हैविंग एनी डाउट? हाँ यस आर्यन, यस अच्छा टाइम नहीं मिलता कह सकते हैं भाई, बिजी बच्चे हैं आजकल के, है ना, कह सकते हैं मैंने टाइम टू नहीं मिलता होगा। क्वेश्चन स्लाइड दिखा दूं? बिल्कुल, मैं अभी ये आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी, ये रहा क्वेश्चन हमारा, ठीक है, आई विल सेंड इन द ग्रुप एज वेल, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत ना हो, ठीक है। कह सकते हैं बच्चे वो ट्यूशंस वगैरह होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने जो चूज किया डैट इज बेस्ट फॉर हिज और हर, ठीक है ना। चलो वेरी नाइस क्लास थी, मजा आया पढ़ के, हाँ या ना, बस ये बता दो मुझे, हैंड रेस करो जिस जिसको मजा आया। शिवम वो मिल जाएंगे बेटा व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन लिंक में, आपको मिल जाएंगे नोट्स व्हाट्सएप के ना डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करना, उसमें नोट्स का फोल्डर है, वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो थोड़े बहुत एक दो लेक्चर के रह गए वो मैं अपडेट कर दूंगी कल तक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देन बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ना नेट ही चला गया था, मैंने आप लोगों को भी नहीं बोली और रिकॉर्डिंग भी नहीं वो करी, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।